कभी मालिनी अय्यर के पंकज, कभी शरारत में डॉक्टर सूरज बन हंसाया, तो कभी ससुराल गेंदा फूल में कमल बन किया इमोशनल। फिल्म हम साथ साथ हैं के आनंद बाबू, जो अब आंगन अपनों का में निभा रहे हैं जयदेव शर्मा का किरदार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेश ठाकुर की, जिन्होंने 90s में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इन्होंने ढेर सारी फिल्में की, कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया और फिलहाल वो नजर आ रहे हैं सोनी सब के सीरियल आंगन अपनों का में, जहाँ वो एक पिता का किरदार निभा रहे हैं और उनकी है प्यारी बेटियाँ। कैसे वो अपने आंगन को संभालते हैं, यही जानने के लिए सास बहू और बेटियां पहुंच गया है आंगन अपनों का के सेट पर, जहां आज महेश ठाकुर कराएंगे अपने सेट की सैर, दिखाएंगे अपना मेकओवर, टीम के साथ मिलकर करेंगे लंच पार्टी और होगी ढेर सारी मस्ती। तो चलिए सीधा चलते हैं सीरियल आंगन अपनों का के सेट पर। भाई सेट पर है सभी महेश ठाकुर के फैन और देखिए कैसे महेश करवा रहे हैं अपने सेट की सैर, साथ ही साथ मिलवा रहे हैं अपनी रियल फैमिली से भी। सो एक्टर्स का आधे से ज्यादा दिन बीतता है सेट पर, और सेट पर वो कई बार उसे अपने घर जैसा माहौल बना देते हैं, और ऐसे में आज हम आ पहुंचे हैं महेश जी के साथ उनके आंगन में और देखेंगे कि किस तरह से ये अपने आंगन में समय बिताते हैं। ओके, तो मैं यहाँ हूँ अपने रूम में, सेट नंबर फोर, रूम नंबर फोर ऑन द आंगन अपनों का सेट, और ये मेरा छोटा सा कमरा है जो मुझे दिया गया है। मिरर काफ़ी बड़ा है। ओके, यहाँ पे तीन अच्छे से लाइट्स लगे हुए हैं, एक वहाँ पे येलो सा लाइट है, एक छोटा सा बिस्तरा है, एक कुर्सी है, और क्या बताऊँ, ये मेरे कमरे का ताला है। जब मैं निकलता हूँ तो मैं ये लॉक करके निकलता हूँ, ये छोटी सी चाबी अपने पास रखता हूँ, क्योंकि मेरे सामान यहाँ पे पड़े रहते हैं, जैसे कि मेरे मोबाइल फ़ोन, दो फ़ोन है, ओके, दो चार्जर है जैसे देख सकते हैं। और आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जब मैं शूट के लिए निकलता हूँ, मैं घर से अपना टिफ़िन लेकर आता हूँ। ओके, ये इलेक्ट्रिक टिफ़िन है, और अंदर मेरे छोटे से बैग में मैं फ्रूट लेकर आता हूँ, मतलब छोटे से फल, ऑरेंज, इस बार आज ऑरेंज मिला है, और एक अच्छा सा छास। इसके अलावा मैं अपना ये बैग हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ, इट्स लाइक अ मैन पर्स, इसमें मेरी सारी चीज़ें होती है, ज़्यादा करके मेरा मेकअप का सामान, तुम्हारे दवाइयाँ, कभी सर का दर्द हो या कुछ भी हो तो छोटी सी दवाई भी रहती है, और क्या रहता है, हाँ, माउथ फ्रेशनर्स, और मेरे जो मोबाइल फ़ोन्स है, चार्जर्स है, सब इसमें ही जाते हैं, तो मैं अपनी जेब में कुछ रखता नहीं हूँ। मेरा सनग्लासेस रहते हैं यहाँ पे, ये मेरे सनग्लासेस है, डिओड्रेंट, क्योंकि क्या कहते हैं, शूटिंग के बाद पसीने छूटते हैं तो डिओड्रेंट रखना पड़ता है, बस कुछ खास नहीं, मेकअप का सामान, डिओड्रेंट वगैरह, ये है मेरी चीज़ें जो मैं लेकर आता हूँ शूटिंग के दौरान। तो चलिए हम बाहर चलते हैं अपना छोटा सा कमरा लॉक करके। रूम नंबर फोर ये है, रूम नंबर फाइव जरा झांके देखते हैं अंदर कौन है। अरे हाँ, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। हेलो वरुण जी तो आप सब पहचानते होंगे इन्हें, ये है मिस्टर वरुण जी, वरुण जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अच्छा से दोस्त है, जब भी ये खाना पीना लाते हैं तो सब हमेशा शेयर करते हैं मेरे साथ। आज क्या लाए हो? कीमा। देखा, तो आज मुझे कीमा खाने का मौका मिलेगा, और मैं इनके लिए लाया हूँ छोले। छोले खाओगे? वेरी नाइस। जिसने कीमा लाया उसे छोले मिल रहे हो, लेकिन नहीं, आई फ्रैंकली से, जब हम नए नए आए थे तो फर्स्ट डे मैंने सर को देखा था, आई वाज लाइक वाओ, आई वाज लाइक सर को तब से देखते आए हैं, सो व्हेन यू सी एक्टर्स लाइक हिम एंड सो ग्राउंडेड एंड सो हम्बल, सो इट जस्ट, इट्स लाइक बहुत अच्छा लगता है मिलके, यू नो, लाइक फ्यूचर में इंशाल्लाह वंस वी आर एट हिज स्टेचर, सो वी शुड आल्सो बी लाइक दिस ग्राउंडेड एंड हम्बल। नहीं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है वसीम, इज़ अ फैंटास्टिक गाय बाय हिमसेल्फ, एंड अच्छा लगता है ऐसे हमारी, हमें टीम जो मिली है, साथ काम करने का जो मौका मिला है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग अराउंड। आता हूँ मैं लंच पे। ये है हमारे कैमरामैन जो अंदर भागे जा रहे हैं, शिवराज। हाय शिवराज। हाय। ये
जो हम जिसे दिखते हैं ना स्क्रीन पे सब इनकी बदौलत है, हमें बहुत ही खूबसूरत दिखाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, है ना। अब चलते हैं हमारी बेटी की कमरे, जो सबसे खूबसूरत जो कमरा है सेट पे ये इनका कमरा है। हाँ जी, तो ये है हमारी दीपिका, राइट, ये छोटी सी बेटी मेरी, सबसे बड़ी है लेकिन छोटी है। तो मेरे बारे में कुछ कहोगे आप? अरे जैसे कि आपने देखा कितने वार्म हैं, ही इज सच अ स्वीट पर्सन, जैसे उनको देखते हो तो मतलब ओ वाली फीलिंग होती है ना, प्यारे से पापा, एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सन अदरवाइज ऑल्सो, यू नो आई एम श्योर वही वो ऑन स्क्रीन भी झलक के आता है, एंड वी हैव अ गुड बॉन्ड, राइट, वी हैव अ वेरी गुड बॉन्ड, वेरी गुड बॉन्ड, मतलब जो सीन्स हमें मिलते हैं फटाफट हम रिवर्स करके कर लेते हैं, यू नो, सो इट्स प्रीटी इजी। ठीक है, हैव अ गुड ब्रेक। तो आइए अब हम आपको मिलाते हैं पल्लवी और तन्वी से। तनु हाय, ये है हमारी तन्वी बेटे, मेरी मझली बेटी, हाँ, सबसे बीच वाली, सबसे स्वीट, सबसे डोसाइल, सबसे इतना प्यार है इनमें कि मैं क्या बताऊँ। पर्सनली भी वो ऐसी है, बिल्कुल वैसी है। कुछ कहना चाहोगे? इतना आपने अच्छा अच्छा बोला है मेरे लिए, थैंक यू पापा। और बस ये कहना चाहूँगी, आपके साथ शूट करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सीखने को मिलता है, सो हाँ। Oh, so sweet. She's one of the sweetest artist on the set. बहुत ही innocent सी है, मतलब. So I God bless you to maintain this innocence हमेशा, right? चलो मिलते हैं set पे. सारे जितने भी costumes हैं यहाँ पे, ये पूरे यहाँ पे shoot होते हैं, मतलब सारे. आइए, नमस्कार. ये हमारे सारे costume workers जो कर रहे हैं, फटाफट जो भी costume है उसका जो alteration वगैरह एक second में हो जाता है. चलिए शॉट पे चलते हैं और फिर आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आइए, ये बैक एंट्रेंस है, ज्यादा करके हम दूसरे साइड से आते हैं, ये साइड हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा सेट जो हमने बनाया हुआ है, हमारी जो प्रोडक्शन टीम है वो यहाँ बैठती है, देख सकते हैं आप। ये मेरी पल्लो का ससुराल बनाया गया है अंदर, ये जितने भी रूम्स वगैरह है वो यहाँ से है। आंगन का जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, हमारे घर का जो एंट्रेंस जिसे कहते हैं, वो यहाँ से है, मेन एंट्रेंस। कैमरास लगे हुए हैं, एक कैमरा यहाँ है और दूसरा कैमरा वहाँ है। तो ज़्यादा करके वी डू हम ज़्यादा करके दो शॉट एक शॉट में लेते, कहने का मतलब है एक क्लोज चलता रहता है, एक मास्टर या मिड जब हम परफॉर्म करते हैं, ताकि हमें दोबारा बार बार वो परफॉर्मेंस ना देना पड़े, मतलब यू कैन बी इजी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, है ना। सो दैट्स व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर। सेट की सैर के साथ साथ हो गई शूटिंग भी, और अब बारी है लंच ब्रेक की, और देखिए कैसे महेश अपने को एक्टर्स के साथ मिलकर लंच करते हैं, क्योंकि लंच टाइम होता है फन टाइम, और ये सभी खाना खाते खाते ढेर सारी बातें, मस्ती और गाने भी गुनगुनाते हैं। तो दोस्तों हम अब पहुंच गए हैं लंच ब्रेक पर, और मेरे साथ है समर। हाय समर। हाय गाइस। हम ज्यादा करके सब मिलके खाना खाते हैं साथ में। वसीम, वी आर वेटिंग फॉर वसीम टू कम। हाँ, बस वसीम बस आ जाएंगे। तो तब तक डब्बा खोलते हैं, देखते क्या क्या है इसके अंदर, दिखा दो। जी सर, ये आज हम लाए हैं पनीर मखनी, ओके। हाँ जी, ये पराठे, रोटियां नॉट पराठे, सलाद इज वेरी गुड। ये थोड़ा कुछ मेरा कुछ ना कुछ सैलेड टाइप का है सर, कुछ ना कुछ हेल्दी टाइप का, अब आपका खोलता हूँ। दीजिए सर, खोलिए। ये होता है हमारा छोटा सा लंच ब्रेक। सबसे पहले डब्बे में ये बहुत ही हल्का फुल्का है, ओके, दीज आर स्नैक्स, स्नैकी आइटम्स। इसमें है तुम्हारा गोभी आलू, राइट। इसमें है छोले रस्से वाले, इसमें भी छोले ही होंगे, बोला आज, हाँ बिल्कुल छोले, तो रस्से वाले छोले गोभी और कुछ स्नैकी आइटम्स, nice. रोटी, पनीर, जो भी मतलब सीधा सरल खाना। आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, आ जाइए। सुबह नाश्ते में क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम में क्या खाना है,
और थोड़ा बहुत डब्बा ही यहाँ वहाँ एक्स्ट्रा रखता है कि हम जैसे इसके को एक्टर्स आए हैं, हम जैसे को एक्टर्स तो उन्हें क्या दिया जाए, और कभी कभी शिफ्ट एक्सटेंड हो जाए. हाँ. Never know. आया तो जाने का पता नहीं है अभी. Definitely a blessing working with him. And you know, शुरू में जब आपके साथ मेरा senior and so experienced actor like him, जब आप काम करना शुरू करते हो, you come with a certain notion or a certain perception कि सर ऐसे होंगे वैसे होंगे blah blah blah. But मिलने के बाद it felt like home यार. जैसे हम वो इनको movies में देखते हैं और कैसे एक warm feeling आती है, मन करता है इनको जोर से हग ही कर ले यार. वो real life में भी वैसे ही है, वैसे ही मन करता है उनसे बात करने के बाद. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार. जेन्युइनली हम ये शो कर रहे हैं जिसका नाम आंगन अपनों का. यहाँ का जो ये आंगन है ये अपनों का लगता है बिकॉज ऑफ महेश जी. क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह रही हो. थैंक यू. जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है दिया और बाती. हम साथ साथ है. अभी एक बार गाना था ना वो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V. इतना तो आता ही है हमें. एबीसीडी तो आती है. Why is it? Why is it? I love you. I love you. क्या बात है. We have Rakesh on the set, jo generally Raka, who always comes up with some very genuine ideas to make us laugh. So the last one he had came up was a song. जब भी वो मुझे मिलते हैं, क्या कैसे गाते हो? ओ मेरे पापा दिख रहे. ये क्या कर रहे हो तुम? पापा. मेरे पापा दी ग्रे. And he's good at mimicry, so he mimics. So then that fantastic voice. Ta ta ra ta ta ra ta 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 ra ta ra ta ta ra ta. Nita Shetty, sweet and sexy. That's what he does, man. मतलब अपने हिसाब से मस्ती करते हैं. मतलब जो समझने वाले वो समझ सकते हैं कि मस्ती कर रहे हैं. You know the tongue in cheek humor वाले. तो yeah. I think the three boys on the set, you know. Betiya bahut hi seedhi hai. Ha ha, sanskari. And they remember lines on the pat. Matlab line to matlab barabar yaad ho jati hai. Especially Pallavi ko, you know. Lambe lambe dialogue de to phat se yaad kar deti hai. Hum itne embarrassed feel ho jate hai uske samne ki yaar mujhse line yaad nahi ho rahi hai. Pallavi ke phat se ho jati hai. You know. So we have to pull up our socks, you know. Okay. Ha. Pallavi is with us. We better remember our lines. Just reads one photographic memory. Photographic memory. तो हमारे जो महेश जी हैं इनका एक कमाल का टैलेंट है. अभी हमारे पिछले कुछ महीनों में क्या हो रहा था, बहुत कट टू कट चल रहा था. तो सर जैसे ही सेट पे थे, डे एंड नाइट चल रहा था, तो हाथ में सर को मतलब हम फ्लोर पे होते थे और सर को सीन दे देते थे कि सर ये वाला सीन है. और सर के जब भी सीन आते हैं तो दे आर लाइक मैराथन सीन्स, लंबे लंबे पटरी की तरह डायलॉग्स होते हैं. तो उस टाइम पे अब सर याद करके बैठेंगे तो फिर तो पूरी यूनिट का टाइम वैसे ही चला जाएगा. तो सर क्या करते हैं कभी कभी ना, प्रॉम्प्ट पीछे बंदा बैठा होता है जो प्रॉम्प्ट करता रहता है, तो वो देखना लायक सीन होता है कि सर कैसे बोलते पीछे से. और वो कितना भी इमोशनल बोले, ऊपर से जो हमारे एडीज जिस तरह भी बोले कि ये हो गया, और सर जिस तरह एकदम कंटिन्यूसली इमोशन में दे रहे होते हैं डायलॉग्स कंटिन्यूसली, ये भी एक कमाल का टैलेंट है सर का. सीखने को मिलता है हमारे से. या सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड वर्किंग ऑन टेलीविजन. कि कई बार लाइंस इतने सारे होते हैं कि आपको याद नहीं होता. आई मीन आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, लेकिन दे वॉन्ट देम टू बी स्पोकन एग्जैक्टली जिस तरह से लिखे गए हैं. तो उसमें टाइम जाते हैं और हमारे पास टाइम की कंस्ट्रेंट होता है. तो देर आर टेक्निक्स विच वी वर्कड अराउंड, जहाँ पे मैं चार लाइन बोलूँगा, फिर मैं पॉज लूँगा, फिर जो आगे के जो चार लाइन है मेरा जो असिस्टेंट है, प्रॉम्प्टर है, वो चार लाइन बोलेंगे,
उस पॉज में मैं वो लाइनें अपने दिमाग में तैयार करके आई विल रिसाइट दोज लाइन्स विद द करेक्ट इमोशन. तो दैट्स व्हाट वी टेंड टू डू. चार चार पांच पांच वो इमोशन के साथ बड़ा कमाल चीज होती है. जैसे कि हमने आपको बताया कि 90s से ही महेश ने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके करियर की कहानी, कैसे वो एक्टिंग प्रोफेशन में आए और उन्होंने अब तक किस तरह के किरदार निभाए हैं. ऐसा हुआ था कि मैं पनामा में रहता था, सेंट्रल अमेरिका, और मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि जाके अपनी दादी के साथ कुछ वक्त गुजारो, शी इज़ प्रिटी ओल्ड. तो मैं इंडिया आया उस वक्त, एंड जैसे मैं पहुंचा मेरी दादी की तबीयत ठीक होने लगी, मेरे ख्याल से वो मुझे देख के खुश होने लगी, तो शी स्टार्टेड रिकूपरेटिंग एंड वो अपने पैरों पे भी खड़ी हो गई. तो इट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट. मेरा एक दोस्त हुआ करता था, तो एंड आई मेट हिम ऑन द रोड व्हेन आई वाज टेकिंग माय डॉग फॉर अ वॉक. तो बोला कि महेश तुम वापस कब आए पनामा से. मैंने बोला मैं आया था कुछ एक दो महीने हो गए. ये सर क्या बात है, अच्छा तुम एक मेरे लिए एक ऐड करोगे. मतलब ऐड क्या होता है. बोलता एक शूटिंग का ऐड है. बोला हाँ करूँगा ना, हमारा दोस्त है. तो मुझे बताया था कि इस दिन शूटिंग है ना. आई नेवर फेस द कैमरा, मैंने कभी कैमरा के सामने में गया नहीं हूँ. तो मुझे याद है उन्होंने एक बंगला बुक किया था एंड शर्टिंग्स की ऐड थी, तो बहुत सारे शर्ट्स पैंट्स यू नो तो वो लेकर आए थे. एंड मैं चेंज करता गया, पोजेस देता गया, कैमरा मैन फोटोग्राफर मुझे बता रहे थे कि ऐसे पोज करो वैसे पोज करो. तो दैट वॉज माई फर्स्ट एवर डूइंग समथिंग प्रोफेशनल फॉर अ शूट. जो उन दिनों पोस्टर्स बनते थे जो दुकानों पर लगते थे, तो वो वाला ऐड था कि मतलब पोस्टर वाला. बहुत सारे एड्स पे एड्स करता गया. सो आई बिकेम एन एड फिल्म मॉडल. ओके, और एड फिल्म्स में दे नीडेड एक्टर्स. उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ जी टीवी, दूरदर्शन में एक शो आया था तू तो मैं. करेक्ट, तू तो मैं अगर आपने देखा था, दैट स्टार्टेड ऑन डी डी मेट्रो. एंड उस दरमियान बीच में जी टीवी भी स्टार्ट हुआ था. आई स्टार्टेड विद परंपरा, देन आई गॉट दरार. उसके बाद सोनी टीवी स्टार्ट हुआ था. द फर्स्ट शोज विच आई वेंट ऑन वो स्पर्श. सबसे पहले जब पोस्टर्स लगे थे फॉर अ टेलीविजन शो, दैट वॉज स्पर्श ऑन सोनी. सोनी टीवी वॉज द फर्स्ट वन टू एडवर्टाइज टीवी शोज. तो जो बड़े बैनर्स जो रोड पे लगते, जैसे फिल्मों के पोस्टर लगते हैं ना, वो सबसे पहले बैनर जो लगे थे वो मेरे थे. सोनी टीवी ने पोस्टर्स लगवाए थे ऑल ओवर बॉम्बे, मोर देन 50-60 पोस्टर्स जब आए थे. तो स्पर्श वॉज अ शो. बहुत सारे शोज किए हमने, मतलब गिनना इज नॉट पॉसिबल. और करते कराते आई रीच्ड हम साथ साथ है. दैट वाज माय फर्स्ट बिग कमर्शियल फिल्म, जहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा रोल सूरज बड़जात्या ने मुझे ऑफर किया. मैंने हाँ कहा एंड आई गॉट अ चांस टू वर्क इन वन ऑफ द बॉलीवुड फिल्म्स. एंड वो सुपरहिट हो गई फिल्म. उसके बाद तो आई बिकेम हाउस होल्ड नेम. लोग मुझे जानते थे एड्स में भी, फिल्मों में भी. तो बल्कि मैंने टीवी नहीं छोड़ा. तो आई कंटिन्यू डूइंग टीवी. कॉमेडी भी कर रहा हूँ, ड्रामा भी कर रहा था. जैसे कि मैंने शरारत की थी जो कॉमेडी था, उसी वक्त मैंने मालिनी अय्यर भी शूट कर रहा था जो श्रीदेवी जी के साथ था. उसी वक्त मैं मतलब इमोशनल शोज भी कर रहा था. तो एवरीथिंग वॉज हैपनिंग वेरी नाइसली, यू नो. एंड दैट उन दिनों में इसलिए पॉसिबल था क्योंकि दैट वॉज अ टाइम ऑफ वीकली शोज. मतलब इट वॉज नॉट अ डेली. तो अगर मैं मालिनी अय्यर कर रहा हूँ जो वॉज अ शो फॉर सहारा, इट वॉज वंस अ वीक, यू नो. उसके बाद उन्होंने ट्वाइस अ वीक किया था. जब मैं शरारत कर रहा था वो भी वंस अ वीक था, हर ट्यूजडेज एंड फ्राइडे. दे यूज टू शो इट ट्वाइस अ वीक, मतलब एक एपिसोड को दो बार हफ्ते में दिखाते थे. तो इट वॉज लाइक दैट. तो वक्त मिलता था ये सारी चीज़ें करने के लिए. एड्स भी करता था उन दिनों में. लेकिन आज माहौल थोड़ा सा बदल गया है. यहाँ पे हम लोग डेली शूट कर रहे हैं. डेली मतलब आपको हर दिन नया एपिसोड देखने को मिलेगा, सिक्स डेज वीक, मंडे टू सैटरडे. आंगन अपनों का जैसे मैं कर रहा हूँ, इस सिक्स डेज वीक. तो सुबह मैं आता हूँ, मुझे सीन पे सेट पे सीन मिलता है जो मैं पढ़ता हूँ. एंड प्रिपेयर करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता. वॉट एवर वी कैन प्रिपेयर इन द गैप्स, जाके आप शूट करो, कम बैक. तो ये एक सिस्टम अलग है जो उन दिनों का जो सिस्टम हुआ करता था. बट लकीली आई मैनेज टू ऑल्सो डू वेब सीरीज इन टाइम पे. लाइक इन 2019 मैंने जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन किया था, विच वॉज द स्टोरी ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. मैंने मोदी जी का किरदार प्ले किया था. वो अभी एरोस नाउ पे अवेलेबल है, दैट्स अ वेब सीरीज़. फिर मैंने राजा हरी सिंह का रोल किया है,
दैट्स गोइंग टू बी ऑन जियो सिनेमा, यू नो, जो कश्मीर के जो राजा थे. तो अलग अलग किरदार, अलग अलग रोल्स. भाई बातें तो ढेर सारी हो गई, अब बारी है शूटिंग पर जाने की, जिसके लिए होगा फिर एक बार महेश का मेकओवर, क्योंकि सीरियल में चल रहा है ट्रैक जहां दिखाया जा रहा है जयदेव का अतीत, जिसके लिए उन्हें यंग रूप में आना होगा. तो बहुत ज़रूरी होता है मेकअप मैन का काम, जो मुझे कभी ओल्ड बना देते, कभी यंग बना देते. इसी शो के दौरान आई हैव टू हैव दीज टू कैरेक्टर्स रनिंग साइमल्टेनियसली. तो दिस इज द यंग लुक ऑफ जयदेव शर्मा. तो दोस्तों ये है मेरा नया लुक, यंग जयदेव शर्मा. तो आप देखते रहिए आंगन अपनों का. ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो ऑफ सास बहू एंड बेटिया. तो देखा आपने, कुछ ऐसे हैं रियल लाइफ में महेश ठाकुर. उम्मीद है आपने उनके बारे में ढेर सारी बातें जानी होंगी और सेट की सैर भी की होगी. अब वक्त हो चला है महेश ठाकुर को बाय बाय कहने का. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां.